नमस्कार मित्रों, मकड़ाई एक्सप्रेस 24 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस समय मकड़ाई समाचार की टीम पहुंच चुकी है हंडिया में। हंडिया से 2 किलोमीटर दूर बाबा हिंडोलनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में बहुत ही ऊंचाइयों पर बाबा विराजमान है, जो इसके आप सामने हम आपको दिखाते हैं एक नज़र। ये है बाबा का स्थान है, यहाँ पर बाबा हिंडोलनाथ का मंदिर है ऊपर। और यहाँ पर जो चट्टाने हैं, यहाँ पर त्रिशूल बनते हैं, यहाँ पर प्रतिदिन रात में त्रिशूल बनते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक स्थल है और इसलिए मकड़ाई समाचार की टीम हमारे सभी दर्शकों को लाइव हम दर्शन कराएंगे। श्रावण मास में यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। वैसे तो वर्ष के 12 महीने यहाँ पर सैलानियों का और जो भक्तों का आना लगा रहता है। ऊपर बहुत ही भव्य मंगलनाथ महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर सुबह शाम बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। चलिए हमारे साथ में हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा हिंडोलनाथ का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे आपको बानर सेना भी मिलेगी, हनुमान जी की बानर सेना भी यहाँ पर। दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं बाबा हिंडोलनाथ के दरबार में। ये आप देख सकते हो सामने, यहाँ पर हनुमान जी की वानर सेना भी विराजमान है। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार हनुमान जी की वानर सेना बैठी हुई है, वो आप देखिए। मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँगा कि आप एक थोड़ा सा नज़र इधर घुमाइए कि वानर सेना को भी हमारे दर्शक देख सके। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही विशाल बड़ी बड़ी चट्टाने हैं पत्थरों की, जो इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पर त्रिशूल बनता है, ये मतलब अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक स्थल है और लोगों की अटूट यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति यहाँ से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं प्रतिदिन।
जो बाबा का स्थान है जहाँ पर त्रिशूल बनते हैं चट्टानों में, उस चीज़ को तो दिखाएंगे, आपको उस स्थान को दिखाएंगे। इसके अलावा जो हंडिया जो नाम पड़ा है वो किस कारण से पड़ा है, किसके नाम से पड़ा है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो हिंडोलनाथ बाबा के दरबार में जहाँ पर जो पुजारी महाराज है उनसे आपकी चर्चा करवाऊँगा और हम उनसे ही जानेंगे कि क्या है यहाँ की विशेषता और ये जो नाम है हिंडोलनाथ क्यों पड़ा। और देखिए क्या है कि जहाँ तक हम लोगों को जानकारी में है, लोक गाथा के आधार पर जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है, जानकारी में आया है कि ये हिंडोलनाथ बाबा का स्थान, हिंडोलनाथ बाबा का स्थान कई वर्षों पुराना है, कई पीढ़ियां यहाँ लोगों की बीत चुकी है, उसके बाद में ये हिंडोलनाथ बाबा का स्थान आज भी बरकरार है। काफी समय से यहाँ लोग आते हैं, लोगों की आस्था है। तो इस बारे में कुछ हम लोगों के मन में भी विचार आया कि क्यों ना इस हिंदू धर्म धार्मिक स्थान के बारे में अपन भी सोचें, इसके लिए कुछ करें। तो हमारे साथ में कुछ बहुत सिद्ध पुरुष थे और वो प्रतिदिन यहाँ से अपना पूजन पाठ अर्चन करते थे और जंगल में हमेशा संतों का वास होता है। तो ये जो गुफा है, इस गुफा में हमेशा वो वास करते थे। अभी तो ये गुफा भर चुकी है, लेकिन पहले इस गुफा के अंदर रह करके ही वो अपना जीवन व्यापन करते थे और तब जो है वो योग करते थे। उससे वो प्रतिदिन इस हंडिया गांव में यहाँ से एक हंडी जाती थी और एक लकड़ी में घुंघरू बंधा हुआ रहता था, वो प्रति डोर जाकर के बसते थे घुंघरू। तो जिसको जो भिक्षा वृत्ति उस हंडी में डालना हो वो डाल देते थे, उसी से जो महापुरुष थे उनका उदर पोषण होता था और उसी से जब उदर पोषण होता था तो उसके बाद में किसी महापुरुष ने उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डाला कि जिससे वो हंडी फूट गई। हंडी फूटने के पहले ये नाभिपट्टन शहर था, जैसे हंडी फूटी महाराज जी को मालूम पड़ा, सिद्ध महापुरुष को, वो यहाँ से जब हंडी करते हुए हंडिया गए तो इसका नाम हंडिया हो गया। अब हंडी करते हुए जब गए तो यहाँ से फिर उन्होंने देखा, उसके बाद में इस हंडिया गांव के लोगों को श्राप भी दिया कि आज जिस उदर तृष्णा के लिए ये भिक्षावृत्ति के लिए आती थी आज उसी उदर तृष्णा के लिए आप लोग भटको। तो जो पुराने पुश्तैनी लोग यहाँ आज भी रह रहे हैं वो आफत में है और जो बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ रहता है वो आनंद में रहता है। उसके बाद से महाराज जी ने गुप्त रूप में रहकर के पूजन अर्चन करना चालू कर दिया। गुप्त रूप में रहकर के जब पूजन अर्चन करना चालू कर दिया तो उनका यह होना वास्तविक ये प्रतीत होता है, उसके लिए वो प्रतिदिन एक सिंदूर का त्रिशूल चिन्ह, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो अपने दर्शकों को त्रिशूल दिखाए जहाँ पर चट्टानों में प्रतिदिन त्रिशूल बनते हैं। जी, ये त्रिशूल प्रतिदिन ऑटोमेटिक बनता है, वो गुप्त में रूप में रहकर के पूजन अर्चन करते हैं, उसी से ये अपने को मालूम होता है कि वो आज भी यहाँ इस स्थान पे विराजित है। और त्रिशूल का जो बनता है वो सब लोग देख सकते हैं और जिस व्यक्ति ने भी इसके बारे में कोई जानकारी करने की इच्छा रखी या कुछ ऐसा करना चाहा तो वो व्यक्ति यहाँ रुका नहीं, यहाँ कई महापुरुष पहले साधु संत भी आए बड़े बड़े, लेकिन यहाँ ज्यादा समय तक वो रुक नहीं सके। लेकिन एक रोज जब हम यहाँ लोग आए तो चार लोग बैठे थे, हमारे मन में विचार आया कि बाबा की इच्छा है कि यहाँ एक शिवालय होना चाहिए। तो हमने बाबा के यहाँ चिट डाल करके उसको जानकारी करने की प्रयास किया, उसमें बाबा की इच्छा की। चार लोग कौन कौन है मित्र, उनका भी नाम बताइए। तो एक हमारे मांगरूल से है बनवारी लाल जी ढाका, एक छोटी देवास से है पप्पू जी पटेल और एक और है, उनके नाम में भी अभी जानकारी नहीं क्योंकि वो हमेशा गुप्त रूप में रहकर के सेवा देते हैं। ठीक है ना, वो हमेशा गुप्त दान देते हैं, जो भी लगता है वो गुप्त दान देते हैं। और रही बची बात, यहाँ रहकर के हमने एक बहुत प्रमाण देखे हैं बाबा के, जो बनवारी लाल जी ढाका है प्रतिवर्ष यहाँ लगे रहते हैं। पिछले वर्ष जब भगवान का प्रथम श्रावण दिवस था और पूजन अर्चन करने का समय था तो उनको एक सांप ने डस लिया था और सांप ने जब डसा तो यहाँ जब वो आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो गांव के लोग मेरे को यहाँ पागल पंडित के नाम से जानते हैं, उसी पागल पंडित का एक जो है परिचय देते हुए मैंने उनसे ये कहा कि आप एक काम करो, बाबा के सुप्रत छोड़ दो, बाबा जो करेंगे वो सब सही होगा। तो उन्होंने बाबा के सुप्रत छोड़ दिया 24 घंटे, उस बीच में उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया कि मेरे को क्या हुआ। 24 घंटे के बाद केवल उनको एक बार उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद में फिर मेरे को डर लगा कि लोग ये कहेंगे कि पंडित ने नहीं कुछ करने दिया। तो इस विचार फिर मैंने उनसे कहा कि अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। जब हम गए वहाँ तो डॉक्टर ने ये कहा कि जहर तो था लेकिन खत्म हो गया है, अब निसंकोच आप घर जा सकते हैं। तो एक बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार हमको श्रावण के प्रथम दिन ही हमको मिल गया। तो हम जब से यहाँ तन मन धन से लगे हैं, जो टूटी फूटी सेवा होती है वो करते हैं, प्रतिदिन यहाँ आते हैं
और जो लोग आते हैं उनकी भी जो सेवा बनती है वो करते हैं। प्रशासन से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील यही है कि ये देखो स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी श्रावण मास में भी यहाँ प्रतिदिन लगभग 10-20 अभिषेक प्रतिदिन होते हैं और भात पूजन जो मंगलनाथ विराजित है उनकी भात पूजन भी होती है। आज जैसे लगभग 7-8 भात पूजन हो चुकी है। भात पूजन करने से ये है कि लोगों के जीवन में जिनको मंगल दोष होता है वो मंगल दोष का परिहार होता है, पति पत्नी का झगड़ा है तो वो यहाँ से खत्म होता है, किसी व्यक्ति को ज्यादा अगर ऋण हो गया हो तो ऋण की मुक्ति भी होती है, तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं। तो पिछले वर्ष जिन लोगों का हमने किया था उनको काफी बेनिफिट मिला है, इसलिए लोग इस बार और ज्यादा आते हैं। तो ज्यादा संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं तो प्रशासन से निवेदन ये है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ किया जाए, जैसे लोगों को जो कष्ट होता है आने जाने में तो उसके लिए थोड़ा रास्ते आस्ते की थोड़ी व्यवस्था करवा दी। बिजली और लाइट के लिए यहाँ पर? हाँ, बिजली की व्यवस्था नहीं है प्लस पानी की व्यवस्था नहीं है। ऊपर जैसे ट्यूबवेल किया था तो वो उधर गया है। अच्छा। तो अब दूसरा ट्यूबवेल नीचे करवाया है तो कम से कम पाइपलाइन की व्यवस्था हो जाए, प्रकाश और जल की व्यवस्था हो जाए। तो इसमें मंत्री जी के द्वारा काफी हमको सहयोग मिला और मंत्री जी के द्वारा अभी उनके बालक के द्वारा यहाँ त्रिशूल का भी भगवान के यहाँ हिंडोलनाथ बाबा के यहाँ पीतल का 1.25 कुंटल का त्रिशूल भी चला गया जन्मदिन के दिन। जी जी, तो उनके द्वारा काफी जैसे समय मिलता है सहयोग भी मिलता है, लोगों को तकलीफ न हो। Oh, 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 oh